Everyone, welcome back to our channel. So we are back again with a new recipe video. Hope so you like it, and if you do, please do like, share and subscribe to our channel. चलिए आज हम अरबी से एक रेसिपी बनाएंगे। अरबी के भी अपने काफी हेल्थ बेनिफिट हैं। अरबी डायबिटीज के लिए, आंखों की रोशनी के लिए, मोटापा कम करने के लिए और डाइजेशन के लिए काफी उपयोगी। इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए आप इसे अपनी डाइट में शामिल करें। अरबी हर जगह आपको मिल जाएगी। ये गर्म और ठंडे इलाके दोनों में उग जाती है। चलिए आज हम इसकी एक रेसिपी बनाते हैं। अब मैंने सारी अरबियों को पानी में ऐड कर लिया है और इन्हें मैं अब बॉईल करूंगी। आप चाहें तो इसे पील करके भी बना सकते हैं, पर आज मैं इन्हें बॉईल करके इनके गुटके बनाऊंगी। अब मैंने इन सभी अरबियों को अच्छे से छील लिया है और अब मैं इनके पीसेस कर लूंगी। अब मैंने गैस में एक कढ़ाई चढ़ा ली है, उसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड कर लिया है और अब मैं इसमें एक तड़का डालूंगी। इसके लिए मैंने 2 लाल मिर्च, धनिया, जीरा और हींग इसे भी ऐड कर लिया है। इसकी खुशबू आने के बाद कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूंगी कलर के लिए। साथ में थोड़ी सी मैंने हल्दी भी ऐड कर दी है, इसे भी मैं आपस में अच्छे से मिला लूंगी। अब मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लिया है ताकि ऑयल में मेरा मसाला ना जले। अब मैंने इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, जीरा पाउडर ये ले लिया है, इसे भी अब मैं मिला के अच्छे से कुक करूंगी। चलिए 2 मिनट तक मैं इसे मीडियम फ्लेम में कुक करूंगी। अब मैंने इसमें ऊपर से कूट के 2 लौंग उसे मैं इसमें ऐड कर लूंगी। इसे मैं बिन लहसुन प्याज के बना रही हूँ, आप चाहें तो इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। और ना ही मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे सूखा बनाऊंगी, तो ऊपर से लास्ट में मैं इसमें लेमन ऐड कर दूंगी। मसाले को थोड़ी देर और कुक करूंगी। अब मैं इसमें जो मैंने अरबी कट कर ली थी उसे भी ऐड कर लूंगी और इसे मिला के मैं 2 मिनट तक भूनूंगी। अब मैं इसमें ऊपर से 1.5 चम्मच कसूरी मेथी उसे भी इसमें ऐड करूंगी और इसे भूनूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा अजवाइन उसे भी ऐड कर लूंगी और केवल 1 मिनट और इसे मैं कुक करूंगी। अब मेरी सब्जी पक गई है। अब मैंने इसमें लगभग 1/2 चम्मच गरम मसाला भी ले लिया है। थोड़ी देर अब मैं इसे मिला के कुक करूँ। अब मैं इसमें ऊपर से 1 चम्मच लेमन जूस ऐड कर लूंगी और मैंने धनिया कट किया था उसे भी मैं इसमें ऐड कर लूंगी। 1 बार इसे आप मेरे तरीके से अपने घर में जरूर बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इजीली बन जाते हैं। अब देखिए मेरी शानदार सी सब्जी बन चुकी है। थोड़ी देर में मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी।
आप इसे चपाती, पराठा या पूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मेरे शानदार से So you enjoyed watching this video and if you do, please do like, share and subscribe to our channel. And with this note, until we meet again, bye bye, take care.